ये भाई जान जो है ना वजन चेक कर रहे हैं जी, कितना कितना हो गया जी। तो दूसरा पसंद आया था जी भाई को, मैंने फिर टांग अड़ा दी है, मैंने कहा ये नहीं सही। जातला के मशहूर जो है ना रखे वाले पकौड़े, ठीक है। इन्होंने निकाल कर रखी हुई है जी, मैं आया हूँ पहले चक्कर लगाया, तो मैंने कहा जी आप निकालें, तो मैं आ गया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेजबान बेहजाद साजिद, और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, हर अफियत से होंगे, और अल्लाह पाक आपको खुश व आबाद रखे। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। तो आज सीन कुछ ऐसा है जी, घर बैठा हुआ था फ्री, तो मैंने सोचा निकलते हैं कहीं बाहर, तो बाइक आज फिर नहीं निकाल रहा जी, पैदल जा रहा हूँ, क्योंकि इन दिनों पेट्रोल का इतना मसला चल रहा है यार, मिलते नहीं है, मिलते तरले गल के यानी कि कल 250 का लिया है, तो बड़ी मुश्किल से जो है ना, तो फिर इसी तरह पैदल निकल आई हूँ, तो जाऊँगा खैर पैदल नहीं, तो सामान रजोए जा रहे हैं बाजार बाइक पे, तो उन्हीं के साथ चलूँगा, तो चलिए चलते हैं, दिखाते हैं आगे क्या कुछ सीन बनता है। तो ये दोनों खड़े हैं जी, वेट कर रहे हैं मेरा, तो निकलते हैं, तो निकलें जी चलें। तो अभी हम पहुंच गए हैं जी जातला बाजार, तो सबसे पहले उस्मान भाई ने लेने हैं जी कपड़े, तो कपड़े ले लेते हैं जी सबसे पहले। ये हमारे गांव के फहीम फौजी साहब, तो इनकी शॉप है इधर आए जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी, ठीक है आप, ठीक है। तो सबसे पहले इधर से हम ले लें कपड़े, तो फिर अगला कुछ काम करते हैं, चाय भी पी लेते हैं, कपड़े तो दिखाए ना पहले। अच्छा जी, तो सीन जो चेक करें, ये फौजी ना इन बाबा जी को कह रहा है जी मेरा शादी करवा दे। ठीक है, जबरदस्त हो गया। तो दूसरा पसंद आया था जी भाई को, मैंने फिर टांग अड़ा दी है, मैंने कहा ये नहीं सही, ये फाइनल हो गया अभी, ठीक हो गया जबरदस्त। ये है जी दुकान बाबा जमील क्लॉथ हाउस, बड़ी वैरायटी है जी फौजी साहब के पास, चक्कर लगे तो लाजमी विजिट करनी है दुकान। तो अभी हम आ गए हैं जी उस्ताद अहमद जी के पास, तो चाय वगैरह इधर से हमने पीनी है, इनको साथ लेकर जाएंगे। तो सबसे पहले मैं इधर जो काम करने लगूँ ना जी, तो इनके मोबाइल पे चलानी है अपनी वीडियो, ठीक है। मैं तो वैसे अपने लिए पैकेज वगैरह नहीं करवाता मोबाइल पे, तो असल बाजार जब आता हूँ ना, तो लोगों से पूछते वीडियो, तो कहते हैं यार देखनी होती है लेकिन पैकेज नहीं है, तो फिर उसका हाल हमने रखा होता है जी, हॉटस्पॉट कनेक्ट करते हैं स्पेशल इसके लिए, मैंने पैकेज कराया होता है, तो अभी वीडियो शीडियो चलाते हैं, तो फिर चाय पीने चलते हैं इनको साथ में, हम निकलने लगे जी चाय पीने के लिए। ये थोड़ा सा काम रह गया नहीं उस्ताद जी करके आ जाएंगे, तो खाली चाय क्या पीनी है, मैं इतनी देर में कुछ और साथ समोसे पकौड़े वगैरह लूँगा, तो ये दोनों जा रहे हैं, इतनी देर में ये चाय का बोल देंगे, ऑर्डर हो जाएगा चाय मान जी की, इतनी देर में मैं समोसे पकौड़े वगैरह लेकर आ जाऊँगा उस्ताद जी को साथ लेकर। इधर मैं आया था जी पकौड़े लेने के, ये जातला के मशहूर जो है ना रखे वाले पकौड़े, ठीक है, तो कोई नहीं मिले मुझे, तो इधर से खाली वापस जाना पड़ेगा, क्यों नहीं मिले, क्योंकि इधर रश होता है बहुत ज़्यादा, ज़्यादा सेल होते हैं, तो अभी इन्होंने बताने भी कोई नहीं है, तो यार बहुत ज़्यादा रश है जी बाज़ार में, पता नहीं इधर कितनी वाम किधर से आती है, तो थोड़े फिर नहीं मिले, कोई और ऑप्शन ढूंढते हैं उस्ताद जी से पूछने के लिए, कोई दूसरा ऑप्शन बताएं हमें, तो पकौड़े वो दिन नहीं मिले, ये कह रही जी मेरी तरफ से और कोई ऑप्शन नहीं है, आपका जो दिल है वो कर लो, तो फिर मैं जा रहा हूँ जी किसी बेकरी पे, उधर से कोई बिस्कुट या केक वगैरह लूँगा। तो ये दूसरा ऑप्शन निकाला जी, ये केक दो लूँगा, तो चार बंदों के लिए बहुत है। केक शेक आ गए हैं जी, 100 जी भी तकरीबन फ्री हो गए हैं, तो ये सीन साथ साथ चल रहा है, तो अभी मैं जा रहा हूँ, चाय आ गई होगी, ठंडी हो रही होगी, तो जल्दी से पहुँच जाएंगे उधर, तो ठीक है।
तो आज दिल वैसे पकौड़ों पर था जी, तो पकौड़े नहीं मिले, तो खैर है क्या हो सकता जी, चाय पीते हैं चलते हैं। ज़ोहेब भाई पता नहीं कितने निकल गए, कोई लड़का आया उससे मिलने के लिए, तो ये चेक करने जी रश, जो जाना बाजार में थोड़ा बहुत भी जाते हैं उन्हें पता होगा जी ये कारी टी होटल है स्पेशल चाय के लिए, समान सा पी चुके हैं कारी। अरे कहना क्या चाहते हो? जो उस्ताद आमर साहब भी पीकर चले गए हैं, मैं आधी रखी हुई है, वो ज़ोहेब का वेट कर रहा हूँ, ये उसकी पड़ी हुई है, वो अभी तक आ ही नहीं रहा है। लड़का आया बस उसके मिलने के लिए चला गया। अच्छा जी, तो अभी सीन कुछ ऐसा है कि मैं और उस्मान भाई आ किसी चाय पीकर और ज़ोहेब का वेट करते हैं, वो नहीं आया, तो अभी अभी वो आया और बाल थोड़े से सेट उसने करवाने हैं, तो जितनी देर में वो करवा ले इतनी देर में मैं फ़ोन का कोई चीज़ वगैरह एक दो ले ली है छोटी मोटी, तो वो मैं इधर से साथ ही दुकान है तो इधर से मैं ले लूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक है जी, ठीक है। तो हैंड फ्री चाहिए थी कोई? ये पहले इन्होंने निकाल कर रखी हुई है जी, मैं आया हूँ पहले चक्कर लगाया, तो मैंने कहा जी आप निकालें, तो मैं आ गया। तो ये हैं जी हैंड फ्री वायरलेस, तो ये कितने में आप दे देंगे जी? इसका रेट भाई 4500 रुपये, ये आपको 4000 में। ठीक है, उसके अलावा एक पाउच चाहिए, इसका कवर मिल जाएगा जी? मिल जाएगा। ठीक हो गया, तो हम अपना काम वगैरह करवा लें जी, इसी मोबाइल का करवाना है, तो फिर कैमरा ऑफ करो। हमारा काम शाम हो गया जी मुकम्मल, तो मेरे ख्याल से ज़ोहेब भाई भी फ्री हो गए होंगे, तो चलें जी आ जाओ। ठीक है, निकलते हैं, मैं बाजार से हम वापसी की तरफ। मैन बाजार से हम आ गए हैं जी वापसी की तरफ घर वाली साइड, तो इधर से पीछे से जो मैंने गोश्त लेना है जी मुर्गी का, तो वो लेकर तो फिर घर की तरफ जल्दी इसलिए आ गए हैं जी, उस्मान भाई को जाना था जल्दी, तो इसलिए जल्दी निकल आए हैं। तो इन्हें देख कर तो मुझे जो है ना और गर्मी लग रही है जी, दोनों ने जैकेट पहनी हुई है, तीनों शादियों का बड़ा सीजन चल रहा है जी, दो बरातें पहले हमें मिल चुकी हैं रास्ते में। अच्छा जी, तो हम आ गए थे वापस उधर से बाजार से, थोड़ी देर हुई है, तो अभी मैं घर से होकर आई हूँ, तैयब को लिया साथ, तो इधर दाने दिए हुए थे पिसवाने के लिए वो लिए हैं, और ये भाई जान जो है ना वजन चेक कर रहे हैं जी, कितना हो गया जी? 20, 20, 40, 50, 50 और ये 50.5 किलो हो गया, 50.5 kg। वाह जी वाह, बड़ा वजन है जी आपका। तो अभी फाद भाई थोड़े बिजी हैं, उनसे थोड़ी सी गपशप लगानी थी, वो जो चैलेंज हम कह रहे थे, तो खैर वो बाद में बात करेंगे। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग करते हैं जी खत्म, इंशाल्लाह कल के ब्लॉग में मिलते हैं, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।